वेलकम टू टेक्निकल सम्राट। इस वीडियो में हम ये जानेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि वीडियो की टॉपिक क्या है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एटोला सेवक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो क्या है नहीं है, मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल देखेंगे तो गाइस तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो क्या क्या है, क्या प्रोसेस है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कब से नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस लाल कलर को बटन के दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सो फ्रेंड, अभी तक जितना भी फॉर्म यानी कि बाज़ार में बिक रहे थे वो सब आपको ठग रहे थे और वो बेवकूफ़ बना रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी फॉर्म जो भी है उनका मैं नोटिस लेकर आया हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पटना से जारी हुआ है वो मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, मैं उनका पूरा डिटेल्स आप लोग को बताऊँगा कि वैकेंसी कब से फिलअप होगा, क्या होगा, नहीं होगा। इस वीडियो में आप ज़्यादा से भी स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा वीडियो फुल देखे तभी आपको समझ में आएंगे। सो फ्रेंड, जो अभी मैंने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप विजिट कर सकते हो, तो उनमें भी पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो है ना पूरा आपको डाउट क्लियर कर देंगे कि वैकेंसी कब से फॉर्म भरेगा, क्या है नहीं है, जो भी है। ऐसा जो भी सोच रहे हो कि फॉर्म अभी लग रहा है वैसा वैसा कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड, मैं खुद अपना जिला, जैसे मेरा जिला कटिहार पड़ता है समरणालय, मैंने अपना जिला कटिहार समरणालय में जाके वहाँ से शिक्षा पदाधिकारी से मैंने बात किया, वो वहाँ से मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बात है और कब से फॉर्म अप्लाई होगा, वो सब मेरे को बताया और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया। ठीक है, अब वीडियो में जो है ना वो मेरे को दिखाया नोटिस, वहाँ से मैं पूरा नोटिस मैंने जारी किया, दिखाया मेरे को नोटिस एडिट करके, मैंने खुद वहाँ से नोटिस लाया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ नोटिस में क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। जिसे भी देख सकते हो यहाँ पे साक्षरता भारत मिशन, ठीक है, कार्यालय कटिहार, तो देख सकते हो जिला लोक शिक्षा समिति कटिहार दिया हुआ है। तो आगे और दिखाते हैं फ्रेंड आपको, ये देख सकते हो समरणालय कटिहार का है। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो समरणालय कटिहार, मैं खुद गया वहाँ से, वहाँ का जो ऑफिसर होते हैं शिक्षा पदाधिकारी, मैंने उनसे बात किया तो वहाँ से मेरे को एक नोटिस मिला है। चलिए वो नोटिस क्या है मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा वहाँ का नोटिस, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पटना से जारी हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे जन शिक्षा निदेशालय बिहार पटना। ठीक है, आवश्यक सूचना, ये फ्रेंड ऐसा वैसा नहीं है, ये जो है ना वहाँ से जारी हुआ है पटना से। ठीक है, जो उनके शिक्षा विभाग से होता है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टोला सेवक शिक्षा स्वयं का चयन महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के नई मार्गदर्शिका 2018 के आधार पर टोला स्तर पर होगा। इसके लिए टोला का निर्धारण सीमित रिक्त को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात आवेदन पत्र की मांग की सूचना टोला के स्तर पर निकाली जाएगी। प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन की मांग नहीं की गई है। ठीक है, इस संबंध में कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा भ्रामक सूचनाओं देकर गुमराह किया जा रहा है। मैंने बताया था फ्रेंड कि ये जो है ना अभी तक इनकी जो भी है कि लोग गुमराह करके बता रहे हैं, फॉर्म बेच रहे हैं दुकान वाले कमाने के लिए। ठीक है, भ्रामक सूचना देकर गुमराह किया जा रहा है और इससे बचे। ठीक है, और क्या दिया, यत्र तत्र आवेदन नहीं ले, ठीक है, नहीं दे, ठीक है, किसी को आवेदन देने नहीं बोला है। यहाँ ये फ्रेंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पटना का, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो वहाँ के निदेशक जन शिक्षा बिहार का है, उनका विनोदानंद झा है। ठीक है, उसका सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई फेक नहीं है, 100% रियल है। सो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से ही मेरे को जानना था कि आप लोग बोल रहे थे कटिहार जिला का नोटिफिकेशन लाओ, कटिहार जिला का, तो ये कटिहार जिला का नोटिफिकेशन था। इसके माध्यम से पता चलता है कि अभी कहीं फॉर्म नहीं लग रहा है। ठीक है, जब फॉर्म लगेगा तो मैं खुद यहाँ पे अब वीडियो बना के बता दूंगा, और जो मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जैसे ही इसका कोई नोटिस आता है तो मैं अब तक मैं वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक मेरे चैनल पे आप बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, जो भी नोटिस आएगा आपको बताऊंगा। और फ्रेंड, इसमें ये खास बात है क्या कि मैंने शिक्षा पदाधिकारी जाके खुद बात किया, वो मेरे को नोटिस दिया कि अभी कहीं फॉर्म नहीं लग रहा है, वो मेरे को एक अनुभव बताया कि इलेक्शन के बाद ये फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड, अभी बिहार में पता है आप लोगों को इलेक्शन चालू होने वाले हैं, तो आप लोग इधर किसी का अफवाह में ना आए। ठीक है, तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको प्रोवाइडेड करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।